लाहौर जाफरिया कॉलोनी बंद रोड के करीब घर में आग लगने से तीन अफराद झुलस गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज रियाज अहमद से। रियाज बताएगा इस आतिशबाजी के वाकये के वाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है घर में आग लगने का, ये जाफरिया कॉलोनी बंद रोड के करीब पेश आया, जहां पर गैस हीटर के बाद घर में आग लगी, जिससे तीन अफराद जो है वो घर के वो जख्मी हो झुलसकर जख्मी हो गए, जिसमें 10 साल जैनब है, 37 साल उमर और 18 साल अर्जना शामिल है। ये जख्मियों में शामिल है। तीनों जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज अहमद तफसीलात का। लाहौर जाफरिया कॉलोनी बंद रोड के करीब घर में आग लगने से तीन अफराद झुलस गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज रियाज अहमद से। रियाज बताएगा इस आतिशबाजी के वाकये के वाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है घर में आग लगने का, ये जाफरिया कॉलोनी बंद रोड के करीब पेश आया, जहाँ पर गैस हीटर के बाद घर में आग लगी, जिससे तीन अफराद जो है वो घर के वो जख्मी हो झुलस कर जख्मी हो गए, जिसमें 10 साल जैनब है, 37 साल उम्र और 18 साल अर्जना शामिल है। ये जख्मियों में शामिल है। तीनों जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज अहमद तफसीलात का।